लोग, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक चावल के आटे के पीठा बनाने जा रही हूँ, जो कि बिहार में बहुत ही फेमस है। ये सब सामग्री लगेगा उसमें। ये है चना दाल, जो कि 2 घंटे पहले भिगो कर रखा हुआ है, हरी मिर्च, लहसुन और ये अदरक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। एक साथ सारा सामान लेकर मिक्सी में पीस लेंगे। इसका पेस्ट तैयार हो गया है। थोड़ा सा ये दरदरा ही पीसना है, बहुत बारीक ही नहीं करना, हल्का सा दरदरा होना चाहिए। अब हमने कढ़ाई ले लिया, तेल डाला उसमें, गरम हो गया। अभी तेल गरम होने के बाद हमने जीरा डाल दिया, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया, इसमें हल्दी डाल दिया 1 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक, से मिला लेंगे। मिलाने के बाद आप पेस्ट जो बना के रखे थे वो डालेंगे इसमें, और साथ के साथ अच्छे से इसको डालने के बाद मिलाकर, ताकि सारे मसाला इसमें अच्छे से मिक्सर हो जाए। इसको 2-4 मिनट चलाते रहेंगे। अब हम गरम मसाला डाल देंगे इसमें 1 चम्मच। ये हमारे मिक्सर तैयार हो चुका है। अब इसको हम ढक के अलग से रख देंगे। अब आटा ले लिया, चावल के आटा, इसे गरम पानी से अच्छे से मिलाकर गूंथ लेंगे अच्छे से। इसको अपने हिसाब से आटा लेना है, जिसको जैसे फैमिली में बनाना है, 2 लोगों के लिए बनाना है, 4 लोगों के लिए बनाना है, हमने तो 5-6 लोगों के लिए बनाया था। हमने लोइया लिया इसको, और इसे हाथों पर आटा लगाकर हल्के फैला लेंगे, पूरे पूरी की तरह हाथ से ही फैलाना है, बेलन यूज नहीं करना है इसमें। थोड़ा सा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा ही मोटा नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला, ठीक ठीक होना चाहिए। जो हमने मिक्सर तैयार किया है वो लगभग 1 चम्मच इसमें डालना है, और इसको ऐसे दबा देना है बीच में से, साइड से चिपका देंगे ताकि ये निकले नहीं इसमें से, गुजिया की तरह, जैसे हम गुजिया बनाते हैं सेम ऐसे ही करना है, बस उसमें डिजाइन ही बनाना है, ऐसे चिपका के इसको रख देना। पतीले में हमने पानी रखा था, अब ये बॉयल हो चुका है पूरा। पानी गर्म होने के बाद एक एक करके हमने इसमें जो बनाया वो डाल देंगे, और पानी में ये 1 बूंद ऑयल भी डाल देना। ऑयल होने के बाद हम कढ़ाई लेंगे, इसे गर्म करेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। गर्म होने के बाद हम एक एक करके जो पीठा बनाया है इसे अब डालेंगे। ऐसे भी हम खा सकते हैं, बट हमारे घर में ये थोड़ा सा फ्राई करके पसंद करते हैं। आप इसे 2 तरीके से बना सकते हैं। इडली के जो बर्तन होता है उसमें भी आप इसको भाप लगाकर बना, क्योंकि इसे भाप ही तो लगाना है, उसमें भी आप बना सकते हैं। बाकी आपके घर अगर इडली का बर्तन हो उसे भी यूज कर सकते हैं इसमें। अब दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे, ये गोल्डन ब्राउन हो जाने तक उसी में रखना है। जब अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो हम सर्व करेंगे। आप भी देख सकते हैं ये बन चुका है, बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है। आप भी घर पर ट्राई करिए और चाय के साथ खाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।